नमस्कार बाबा, राष्ट्रीय न्यूज में आपका स्वागत है। अब चलते हैं खबरों की ओर। राम मंदिर केस का फैसला सुनाने वाले जज को मिला राज्यपाल इनाम, मिलेगी आंध्र प्रदेश की जिम्मेदारी। राम मंदिर जन्मभूमि विवाद पर फैसला सुनाने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज को आंध्र प्रदेश का गवर्नर नियुक्त किया गया है। पूर्व जस्टिस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूर्व जस्टिस अब्दुल नजीर को लेकर काफी चर्चा हुई थी। पूर्व जस्टिस अब्दुल नजीर इस साल 4 जनवरी को रिटायर हुए। जब वे रिटायर हुए थे तब CJI DY चंद्रचूड़ ने उनकी सादगी की तारीफ की थी। उन्होंने कहा कि साल 2019 तक पूर्व जज नजीर के पास पासपोर्ट तक नहीं था। हाल में उन्होंने मास्को की यात्रा की थी। इस हाई कोर्ट में कर चुके हैं प्रैक्टिस। बता दें कि पूर्व जस्टिस नजीर का जन्म 1958 में 5 जनवरी को हुआ था। फिर 18 फरवरी 1983 को उन्होंने एडवोकेट के तौर पर नामांकन कराया था। कर्नाटक हाई कोर्ट में उन्होंने प्रैक्टिस की थी। 12 मई 2003 को हाई कोर्ट के एडिशनल जज के रूप में नियुक्त किए गए थे। 6 नए चेहरे गवर्नर नियुक्त। गर्वबल है कि बीजेपी के 4 नेताओं और पूर्व जज अब्दुल नजीर समेत 6 नए चेहरे को राज्यपाल नियुक्त किया गया है। पूर्व जज नजीर अयोध्या केस में फैसला सुनाने वाले सुप्रीम कोर्ट के पीठ के सदस्य थे। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। हमारे आने वाली न्यूज की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।